क्या आप कंफ्यूज हैं कि आपके स्किन टोन पर कौन सा फाउंडेशन सूट करेगा या आपकी स्किन टोन के हिसाब से कौन सी ब्रांड्स में शेड्स अवेलेबल हैं? हेलो एवरीवन, मैं कल्पिता ब्यूटी नाइन से और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दो बेस्ट फाउंडेशन इंडियन स्किन टोन के लिए। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी दो बहुत ही अच्छी ब्रांड्स जो इजीली इंडिया में अवेलेबल है, प्लस इंडियन स्किन टोन्स के हिसाब से इन दोनों ब्रांड्स में बहुत सारे शेड्स की रेंज भी है। तो इन दोनों ब्रांड्स में आपको इजीली अपने टोन का फाउंडेशन मिल जाएगा और साथ ही में ये दोनों ब्रांड्स जो हैं काफी लॉन्ग लास्टिंग है, आपका फाउंडेशन एकदम इंटैक्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फाउंडेशन लगाने से पहले आपको अपने चेहरे को तैयार करना पड़ेगा फाउंडेशन लगाने के लिए, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है चेहरे की क्लीनिंग। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगी एल्फिन से ये वेट वाइप्स अपने चेहरे को क्लीन करने के लिए। अब उसके बाद बारी है टोनर की। तो जी, यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ पिलग्रिम से ये फेस मिस्ट प्लस टोनर। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगी पिलग्रिम से ये विटामिन सी नाइट सीरम। एज अ मॉइस्चराइजर मैं इसे अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सब ये हो जाने के बाद हम 5 मिनट तक वेट करेंगे और उसके बाद हम फाउंडेशन अप्लाई कर लेंगे। दोस्तों, इंडियन स्किन के लिए जो फाउंडेशन मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है PSE HD फाउंडेशन। ये बहुत ही अच्छा HD फाउंडेशन है, प्लस इसका रेट भी जो है बहुत ज्यादा नहीं है, यह आपको कुछ 850 तक मिल जाएगा। और अगर आप इसे सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कम से कम 1 साल तक चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में इसकी जरूरत होती है जब हम बेसिक मेकअप करते हैं या फिर हम सेल्फ मेकअप करते हैं। तो इसका मैं आपको बता देती हूँ, 30 ml जो है इसके अंदर प्रोडक्ट है, आपको 850 में 30 ml मिल रहा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या आपको इजीली Amazon या फिर Nykaa पर अवेलेबल मिल जाएगा। चलिए अब हम लगा भी लेते हैं। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ शेड नंबर 1.5 और मैं आपको एक प्लस पॉइंट बता दूं कि इंडियन स्किन के लिए इस जो ब्रांड है ये, इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, आपका फाउंडेशन शेड डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, क्योंकि PSE HD फाउंडेशन में करीबन 30 से 32 जो शेड्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो आप जो है चेक कर सकते हैं। अब हम इसे ब्लेंडर से हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि ब्रश ने ही इतनी अच्छी फिनिश दी है दोस्तों। अब मैं यूज करूंगी मिस क्लेयर से ये कॉम्पैक्ट पाउडर। और अब मैं इसे फिक्स कर लूंगी मेकअप सेटिंग स्प्रे से। यहां पर मैं यूज कर रही हूँ फेसेस कैनेडा से ये मेकअप फिक्सर। इसमें सुखा लेती हूँ पहले तो। चलिए, तो मैं फटाफट से अपना बाकी का मेकअप कर लूंगी और मैं यूं गई और यूं वापस आई। फिर हम जानेंगे कि अगला कौन सा अच्छा फाउंडेशन है, बेस्ट फाउंडेशन है इंडियन स्किन के लिए। A few moments later. दूसरा फाउंडेशन जो इंडियन स्किन टोन्स के लिए सबसे अच्छा मुझे लगता है वो है LA Girl Pro से ये अल्टीमेट HD हाई कवरेज फाउंडेशन। इसका प्राइस है 1250 रुपए, यह आपको Amazon या फिर Nykaa या purple.com पर मिल जाएगा। यहाँ पर मेरे पास 2 शेड्स हैं इसमें, एक है फेयर और एक है नेचुरल। मेरे स्किन टोन के हिसाब से आप अपने स्किन टोन के हिसाब से अपना शेड परचेस कर सकते हैं।
इस ब्रांड में आपको कम से कम 15 शेड्स जो है अवेलेबल हैं इसके ऑनलाइन, तो आप चेक कर सकते हैं इन्हें। मैं इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनीवेज दे ही दूंगी। और इसका रिजल्ट भी दोस्तों बहुत अच्छा है। आई एम श्योर आपने मेरे बहुत वीडियोस में मुझे ये फाउंडेशन यूज करते हुए देखा है, तो रिजल्ट तो आप लोग जानते ही हैं कि कितना अमेजिंग है। तो ये बेस्ट 2 फाउंडेशंस हैं इंडियन स्किन टोन के लिए। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे काम एंड आई लव यू ऑल। बाय।